ही गाइज, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल एंड आई मेघा, मिशिका की मम्मी। तो मैं आ गई हूँ अपने छतरपुर, और छतरपुर का ये बेस्ट पार्लर है। मैंने गूगल किया था तो बरसा ब्यूटी पार्लर, जो छतरपुर के लोग हैं या आसपास के लोग हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे। और ये भैया मेरा मेकअप करेंगे, एंड ये उनके जो उन्होंने जिनसे सीखा था ये वो हैं। एंड आप लोग जानते होंगे ये यूट्यूब पे हैं, अनुराग मेकअप मंत्रा नाम से। तो ये उनके यहाँ की सर्टिफिकेट हैं, इनको 2 साल लगातार इनको बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिल रहा है छतरपुर का। एंड इसीलिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, क्योंकि काफ़ी काफ़ी अच्छा मेकअप करते हैं ये, मैंने सुना हुआ है। और मैंने कहा कि वॉश तो कर लिया, बेस्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो भैया बैठते हैं, एंड वो भैया खड़े हुए हैं मेरा मेकअप करने के लिए। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा पार्लर का लुक दिखा दिया जाए। तो ये है यहाँ का पार्लर, काफ़ी बड़ा है, मतलब एक हॉल है। आराम से यहाँ पर एक टाइम पे लाइक 6 से 7 जो ब्राइडल होती हैं वो रेडी होती हैं कईयों बार। मतलब मेरे बाद एक ब्राइडल, मतलब 3 ब्राइडल थी। एंड ये हैं सारे मेकअप प्रोडक्ट, एंड सारे मेकअप प्रोडक्ट काफ़ी ब्रांडेड हैं। तो मुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सी मेरे फेस पे मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो सारा, और ये है ईयर ब्रश जिससे भैया मेरा मेकअप करेंगे। एंड आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट मेरे फेस पे अप्लाई किए जाएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो सबसे पहले इन लोगों ने मेरे फेस को किया है क्लींजर से क्लींज। तो पहले सबसे पहले इन लोगों ने फेस की अच्छे से मसाज की थी, एंड सच में मुझे ऐसा लग रहा था मैं यहीं सो जाऊँ, इनसे मसाज अच्छे से करवा लूँ, क्योंकि काफ़ी हल्के हाथों से ये मसाज कर रही थी। ये वहाँ पे वर्क करती हैं। फिर उसके बाद इन्होंने टिशू से इसको हटा दिया था, एंड उसके बाद इन्होंने दोबारा क्लींजिंग की थी क्लींजर मिल्क से। एंड पहले मसाज, फिर क्लींजर मिल्क से क्लींज किया था मेरे फेस को। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। और इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं गई थी वॉश मेकअप करवाने के लिए दूसरे पार्लर, लेकिन मैंने सोचा वॉश नहीं करवाना, अब मैं वेस्ट करवाऊँगी। उसके बाद इन्होंने किया है मेरे फेस को पैड ड्राई, एंड उसके बाद इन्होंने मेरे फेस को पैड ड्राई। एंड मिशिका देखिए आप हंस रही है, वो खेल रही थी वहाँ पे मिरर में देख देख के। पैड ड्राई करने के बाद इन्होंने मेरे फेस पे लगा दिया है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के बाद इन्होंने मेरे फेस पे लगाया हुआ है सीरम। तो सारे जो स्टेप थे वो मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था कि ये इतने अच्छे से मेकअप कर रहे हैं। एंड फिर मुझे लास्ट में ऐसा लगता है कि अगर मैं इस पार्लर का यहाँ पे नाम नहीं बताती, पहले मैंने यही सोचा था नहीं बताऊँगी, बट मैंने सोचा कि आप जो छतरपुर के लोग मुझे देखते हैं वो ज़रूर पूछेंगे दी ये कौन सा पार्लर है, तो मैंने कहा बता देना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर भैया, भले ही वर्षा ब्यूटी पार्लर के नाम से है लेकिन यहाँ पर भैया मेकअप करते हैं, तो भैया ने मेरा मेकअप किया था। एंड उनके लिए ये बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है कि लाइक ब्राइडल मेकअप है तो मैं करूँगा, एंड साइड मेकअप है तो मैं नहीं करूँगा। अगर कोई बोलता है कि हमें भैया से मेकअप करवाना है तो वो कर देते हैं। एंड उन्होंने सबसे पहले मेरी आईब्रो फिल की थी, और सारे प्रोडक्ट जो वो यूज़ कर रहे थे काफ़ी ब्रांडेड थे। एंड उसके बाद इन्होंने मेरा आई वेज बनाया था, एंड आई वेज के लिए इन्होंने कंसीलर नहीं लिया, जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा। इन्होंने बोला था कि जब हम आई वेज लगाते हैं, मतलब आई वेज बनाते हैं, बड़ी कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, तो जो आप भी आई शेडो यूज़ करोगे वो उभर के आता है। एंड कंसीलर उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, ऑब्वियसली बात है उन्होंने बिल्कुल भी नहीं मेरे फेस पे कंसीलर यूज़ किया था। एंड उन्होंने बोला था कि हम ऐसे ही इस मेकअप को करना है। तो मेकअप मैंने पहले सूट कर लिया था, एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इनसे आप लोगों को मिलवा ही दूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छे से इन्होंने मेरे पहले अच्छे से मेरा आई वेज बना दिया, एंड उसके बाद इन्होंने मेरी आईब्रो के जस्ट नीचे आईब्रो को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया है हाईलाइटर। एंड ये हाइलाइटर काफ़ी पिगमेंटेड था, एंड बहुत ही मतलब फोटो फोकस मेकअप था पूरा मेकअप। लेकिन यहाँ पे लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, जब मैं लाइट ऑन करूँगी आपको खुद समझ में आएगा कि कितना बेस्ट है। एंड उसके बाद इन्होंने अच्छे से ब्रश से इसको स्मज किया था। एंड एक और चीज़ कि भैया हाथों से जब मेकअप करते हैं ना तो कमाल का करते हैं, लाइक ब्रश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके हाथ भी मतलब होता है ना, मेकअप आर्टिस्ट जो होता है ना उसको ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो चाहें तो पूरा मेकअप भी हाथ से कर लेते हैं, उन्होंने खुद बताई ये चीज़। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से अपना ब्राइडल मेकअप लुक करवा के शेयर करूँ आप लोगों के साथ, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर करूँगी। एंड उसके बाद इन्होंने मेरी जो आई
मतलब आई मेकअप था वो मैंने रेड करवाया था। मैंने उनको बोला था कि मुझे रेड गाउन पहननी है। लास्ट में मैंने मेरी पोल खोल दी कि लाइक मुझे ये यूट्यूब पे डालना है। फिर उन्होंने मेरा सर्च किया एंड वो बहुत खुश थे कि मैं उनकी पार्लर पे गई। तो मतलब बहुत हैप्पी थे वह। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे आई मेकअप को जैसा मैंने बोला था उन्होंने वैसे ही किया था। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, जब भी आप किसी बड़े पार्लर में जाएं या छोटे पार्लर में, उनसे बोलें आप अपना बेस्ट करिए, क्योंकि जब वो अपना बेस्ट करते हैं ना वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। एंड उसके बाद उन्होंने मैंने जैसा बोला कि वो हाथ से जब मेकअप कर रहे थे उस मेकअप का लुक ही अलग आ रहा था। एंड उसके बाद वो ऐसा नहीं था, ब्लेंडिंग पे इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे थे वो, ब्लेंडिंग का। जैसे हम बोलते हैं कि जितनी अच्छी ब्लेंडिंग उतना अच्छा आई मेकअप, तो आई मेकअप मैंने रेड ही रखवाया था। उसके बाद मेरी आईब्रो को उन्होंने फिर से हाईलाइटर से डिफाइन किया था। एंड हाइलाइटर से डिफाइन करने के बाद उन्होंने फिर मेरा मुझे लगाया था आईलेसेस। एंड मिशिका को आप लोग देख रहे हैं पीछे, वो कितने अच्छे से खेल रही है। एंड ऐसे ही वो वहाँ पे खेल रही थी। और सब लोग जो आपको पता ही है कि जब कोई मेन वहाँ की ये ओनर है वहाँ के, तो जब ऐसा कोई मेकअप करते हैं तो जो वहाँ के सीखने वाले होते वो आपके पास में ही होते। तो मिशिका सबको देख रही थी एंड मिरर में खुद को देख रही थी। उसके बाद इन्होंने लगाया है मेरी आई पे ग्लू, एंड ग्लू के बाद इन्होंने मेरी फेक आई लैसेस मेरी आई पे लगा दी। एंड सारे स्टेप मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे एंड मेकअप करवाने में अच्छा लग रहा था। आपने देखा वर्स्ट मेकअप में उन्होंने बला टाली थी, और इतना टाइम मतलब मुझे एडिटिंग करने में मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए। मतलब फुल टाइम देते हैं एंड आपका मेकअप बहुत मस्त करते हैं, मतलब आपको तो वो फाइनल लुक में समझ में आ जाएगा। तो इधर उसके बाद जो भी एक्सेस अमाउंट का गिरा हुआ था तो वो उन्होंने क्लीन कर दिया। उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया है काजल, एंड उन्होंने बोला था काजल आपको रखना है क्या, तो मैंने कहा हाँ रखना है। तो उन्होंने काजल लाइक पतला पतला अप्लाई किया था। एंड उसके बाद उन्होंने एक ब्रश से उसको स्मच कर दिया था हल्का हल्का सा। एंड वही रेड आई शेडो लेके उन्होंने मेरे नीचे मतलब आई काजल के पास स्मच किया कर दिया था वाटर लाइन पे। एंड उसके बाद आप लोग देखिए कितना प्यारा, मतलब एक होता ना कि अच्छा लुक आ रहा है आँखों का, वो आ रहा था। एंड उसके बाद मैंने जैसा कि आपको बताया कि उन्होंने आई शेडो यूज़ किया था मेरी वाटर लाइन के लिए, तो वो भी कर रहे थे। एंड मुझे सारी चीज़ें यहाँ की बहुत अच्छी आई। और गाइज आप लोग अगर छतरपुर या उधर के आसपास हो तो आप ज़रूर ज़रूर यहाँ आना। एंड इस मेकअप पूरा मेकअप ट्यूटोरियल का उन्होंने चार्ज लिया है ओनली 1500 रुपये, जो कि मुझे लग रहा है कि उन्होंने कम लिए, क्योंकि जब कोई इतना अच्छा मेकअप एंड इतनी ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है तो लाइक वो बहुत पैसा लेते हैं, ये सबको पता है। और उसके बाद उन्होंने मेरी आई पे लगाया था मस्कारा, जो कि कल परसों आपने देखा मुझे मस्कारा नहीं लगाया गया था। बोला गया था कि फेक आईलेसेस पे मस्कारा नहीं लगता, तो आज इन्होंने तो लगा दिया। कम से कम इन्होंने ये चीज़ नहीं बोली। एंड मतलब ये बहुत फनी बात थी कि उन्होंने बोला था फेक आईलेस पे अगर हम मस्कारा लगाते हैं तो वो फेक लगने लग जाती हैं, मतलब फेक को फेक नहीं दिखाना है सिर्फ मस्कारा की वजह से। एंड यहाँ पे बहुत मतलब प्री वेडिंग मेकअप सारे मेकअप होते हैं। तो उसके बाद मेरा आई मेकअप जो था वो कंप्लीट हो गया था। एंड फिर लगाना कंप्लीट कहाँ हुआ, अभी इन्होंने मुझे आईलाइनर तो लगाया ही नहीं था। एंड इन्होंने बोला था कि ये मेकअप जो है आराम से आपका मतलब अगर आप शाम को कराते हो सुबह तक चलेगा। एंड फुल वाटर प्रूफ वो था सारा मेकअप था। एंड बिलीव भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ चलेगा, क्योंकि अभी भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ और रात के बज रहे हैं 10, लेकिन मेरा मेकअप अभी टिका हुआ है। एंड टिका हुआ इट मीन्स कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं अभी जस्ट करवा के आई हूँ। और पैक के आईलेसेस इन्होंने यूज़ किए थे यहाँ पे, जो कि नॉर्मली पार्लर पे कभी यूज़ नहीं किए जाते इतने महंगे आईलेसेस। एंड उसके बाद मिशिका को मैं बीच बीच में खिला भी रही थी, ऐसा नहीं था कि मेरा ध्यान उस पर नहीं था। एंड उसके बाद भैया ने लिया था जहाँ हमारा डार्क एरिया है हल्का फुल्का, तो वहाँ पे उन्होंने कंसीलर यूज़ किया था। मुझे डार्क सर्कल्स नहीं है तो उन्होंने मेरी आँखों के नीचे कंसीलर वाइट वाला यूज़ किया था, डार्क सर्कल्स वाला मतलब ऑरेंज कलर करेक्टर नहीं यूज़ किया था, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। उनका कहना था कि आपको डार्क स्पॉट्स भी नहीं हैं उतने ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं क्योंकि एक बेस बहुत ही कम्प्लीटली अच्छा आता है। तो उसके लिए उन्होंने और ब्लेंडिंग पे उन्होंने सबसे अच्छी चीज़ की थी कि ब्लेंडिंग पे उन्होंने मस्ट ध्यान दिया था। उसके बाद इन्होंने मेरा बनाया था बेस,
एंड ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने कोई फाउंडेशन यूज़ किया है, कंसीलर यूज़ किया, लेकिन कंसीलर डेफिनेटली नहीं है। इन फाउंडेशन है, इसके बाद जो फेस पे ग्लो आया था, मतलब जब इन्होंने इसको ब्लेंड किया, ब्लेंड तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि बहुत अच्छे से ब्लेंड किया था, उसके बाद फेस पे एक अलग सा ग्लो आ गया था एंड आप देख सकते हैं। और ब्लेंडिंग में आप लोग, अगर मैं आपको स्टेप स्टेप बता रही हूँ ताकि आप लोगों को भी एक हेल्प हो जाए कि जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो कैसे मेकअप करते हैं, तो उन्होंने ब्लेंडिंग पे मस्ट ध्यान दिया था एंड ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा की थी, मतलब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ब्लेंडिंग में टाइम लगाया था। उसके बाद उन्होंने मेरे फेस पे लगाया है कॉम्पैक्ट, एंड कॉम्पैक्ट नहीं, ये लूज़ पाउडर है, एंड उसको अच्छे से उन्होंने लगा दिया है। उसके बाद इन्होंने यूज़ किया है एयर ब्रश, जो कि आप लोगों को पता है कि जब हम काफ़ी महंगा मेकअप करवाते हैं, लाइक 5,000 3,000, तब एयर ब्रश का यूज़ होता है, लेकिन भैया ने किया था और उन्होंने बोला भी, मैंने उनको ये भी बोला था कि मुझे वीडियो में दिखाना, यही मुझे बोलना पड़ा था कि मुझे वीडियो में दिखाना है, तो आप मुझे सच बताइएगा कि इसका कितना चार्ज लगता है। तब उन्होंने बोला कि 1,500 1,800, इससे ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी नोज़ को कॉन्टोर किया था, एंड कॉन्टोरिंग आपको दिख रहा है, बिल्कुल भी पाउडर नहीं दिखेगा, एंड आपको वो दिखेगा कि उन्होंने कॉन्टोर किया है। तो लाइक मतलब जो भी उनके प्रोडक्ट थे वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रहे थे, मन कर रहा था कि सारे की फ़ोटो निकाल लूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट लिए हैं ताकि मैं भी परचेज़ कर लूँ, इतने अच्छे प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किए थे। एंड उसके बाद उन्होंने लगाया था ब्लशर, ब्लशर उन्होंने काफ़ी नेचुरल लगाया था, और इनके ब्लशर से मुझे वो वाले ब्लशर की याद आ गई कि जो मेरे कान में भर गया था। एंड उन्होंने ब्लशर लगा दिया था, एंड उसके बाद उन्होंने लगाया था हाइलाइटर, हाइलाइटर काफ़ी फ़ोटो फोकस हाइलाइटर था, मतलब जब वो लगा रहे थे तब मुझे हाइलाइटर नज़र ही नहीं आ रहा था, एंड मैं कुछ बोल इसलिए नहीं रही थी कि हो सकता है कि शायद मुझे नहीं पता हो ये हाइलाइटर ऐसा होता हो कि जो ज़्यादा लाइट में चमकता हो, एंड ये मेरे साथ हुआ कि मुझे फिर बाद में पता चला कि ये ज़्यादा लाइट, मतलब आपके फेस पे लाइट पड़ती है तो आपका फेस इतना भयंकर ग्लो करता है कि पूछो मत, मतलब ऐसा फील भी नहीं होता कि आपने मेकअप, इतना सारा मेकअप किया है, एंड ईयर ब्रश से तो वैसे भी फील नहीं होता। एंड इसके बाद उन्होंने लिप लाइन लगाया था मेरी लिप्स पे, एंड उसके बाद उन्होंने लगाया था लिपस्टिक, लिपस्टिक उन्होंने डार्क कलर नहीं लगाया था, मेरी आई से बिल्कुल मैच कर रहा था क्योंकि ड्रेस का कलर उनको पता था कि ड्रेस का कलर इनका रेड है, तो वो रेड नहीं लगा रहे थे, ये तो बिल्कुल सॉर्ली था कि उनको रेड नहीं लगाना था, कि बिल्कुल मतलब रेड, डार्क रेड नहीं करना था, एंड उन्होंने बोला था कि लिप्स लाइट ही रखिए आप अपने। तो ये है मेरा फाइनल लुक, मैं अब आप लोगों को मिलवाती हूँ भैया से तो जिन्होंने गाइस मेरा इन मेकअप लोगों किया। इन भैया ने मेरा मेकअप किया है, एंड अब आप इनसे पूछ लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या होता है, तो आप बताइए कि यहाँ पे क्या क्या होता है। वो सारी सर्विसेज जो एक ब्यूटी पार्लर में होती है, ब्राइडल मेकअप और पार्टी मेकअप, इसके अलावा हमारे पास फ्री ब्राइडल पैकेजेस, फेसियल्स और वैक्सिंग, ये सारी चीज़ें जो भी पार्लर रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। एंड ये हमारे छतरपुर में है, जी एंड ये हमारे छतरपुर का बेस्ट पार्लर है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और मैंने गूगल किया और गूगल पे भैया का नाम फर्स्ट रैंक पे आया, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए। एंड आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा मेकअप किया है, मतलब मेरे लिए शब्द नहीं है मेरे पास, इन्होंने जितने अच्छे से मेकअप किया है, एंड बहुत कम टाइम में मेकअप किया है। कई बार होता क्या है, दो दो तीन तीन घंटे लग जाते हैं मेकअप करने में, लेकिन भैया ने बहुत कम टाइम में अच्छा मेकअप किया है, तो आप लोग ज़रूर एक बार यहाँ आके ट्राई करना, आपको काफ़ी अच्छी सर्विस मिलेगी, यहाँ की बेस्ट सर्विस, इनफैक्ट मैं बोलूँगी छतरपुर की बेस्ट सर्विस हमें यहाँ मिली है, तो ज़रूर एक बार ट्राई करना। ओके चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको। This is the final look and look here. This is my eye look and everything is great. तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ज़रूर विजिट करना। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तकलीफ बाय बाय।